हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पियाज रेसिपीज़। इस गणेश चतुर्थी पे हम बनाएंगे बच्चों का बहुत ही फेवरेट मन पसंदीदा बाउंटी चॉकलेट मोदक, और वो भी घर पे। ये बहुत ही आसानी से घर पे बनता है और वैसे ये बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसे बनाना। बाउंटी बार चॉकलेट मोदक बनाने के लिए एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप दूध। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी, और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूखे नारियल का बुरादा। आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, और दूध के साथ इसे अच्छे से मिलाना है। आप यहाँ पे 1/4 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो, और इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिक्सचर हल्का सा गाढ़ा होने लगा है, और इसे बस हमें और थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाना है, यानी ये ज़्यादा ड्राई भी ना हो और इसमें हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हमें ठंडा करके लेना है। जब तक ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये 200 ग्राम मिल्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। इस तरह से इसे कट करके लेना है, और इस चॉकलेट के बोल को हम इस कढ़ाई में रख देंगे, और इसे हम 2 मिनट के लिए कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर 2 मिनट के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट होने लगा है। जब तक ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसे अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, इसे हम नीचे उतार लेंगे, और नीचे उतारने के बाद भी इसे अच्छे से मिलाते जाए। जितने अच्छे से हम इसे मिलाएंगे उतना ही अच्छा हमारा चॉकलेट बनेगा। तो ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब बारी आती है मोदक बनाने की। तो यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, इसे इस तरह से एक ग्लास के ऊपर रख देंगे, और ये जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है इसे हम पाइपिंग बैग के अंदर डालेंगे इस तरह से। और इसका ये जो आगे का पार्ट है इसे हमें सीजर से कट करना है। और यहाँ पर यह कोकोनट का मिश्रण भी ठंडा हो चुका है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा घी या फिर तेल लगाना है, और इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर लेने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का मोदक मोल्ड लिया है, और जो हमने पाइपिंग बैग में चॉकलेट को मेल्ट करके ऐड किया था इसे इन मोल्ड में इस तरह से ऐड करेंगे, और सेम इसी तरह से हमें सारे मोल्ड्स में ये चॉकलेट को फिल करके लेना है। और एक चम्मच की हेल्प से चॉकलेट को हमें मोल्ड की सारी साइड से लगा कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद हम इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक और बार चॉकलेट को फील करेंगे ताकि मोदक की जो बाहर वाली कोटिंग है वो टूटे नहीं, और फिर से इसे हमें 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देना है। 5 मिनट के बाद यहाँ पर चॉकलेट की दूसरी लेयर भी अच्छे से सेट हो चुकी है, और इसके बाद जो हमने कोकोनट के बॉल बनाकर लिए है इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसमें ऐड करना है। इन कोकोनट के बॉल्स को इस तरह से हल्का सा प्रेस करने से ये अच्छे से सेट हो जाते हैं। सारे कोकोनट के बॉल को मैंने चॉकलेट मोल्ड में ऐड किया है, और फिर इस तरह से हम चॉकलेट को इसके ऊपर से ऐड करेंगे। सारा चॉकलेट ऐड करने के बाद इस चॉकलेट के मोल्ड को हमें 2-3 बार इस तरह से टॉप टू बॉटम हीट करना है, और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देना है। यहाँ पे 15 मिनट के बाद चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुका है, और बस इस चॉकलेट के मोल्ड को एक प्लेट के ऊपर इस तरह से पलटी करना है। सारे मोदक आसानी से डीमोल्ड हो जाते हैं। मोदक डीमोल्ड होने के बाद इस तरह से ये जो मोदक के ऊपर एक्स्ट्रा का चॉकलेट लगा है इसे हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये हमारे बाउंटी बार चॉकलेट मोदक बनकर तैयार है। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। इसे कट करते समय चाकू को हमें हल्का सा गर्म पानी में गर्म करके लेना है। तो यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी और सबके फेवरेट चॉकलेट मोदक बनकर तैयार है।